दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने तंबेल से नज्जा लगा लिया होगा कि आपको बताने क्या जा रहा हूँ। दोस्तों एक मैटर है, पत्नी पत्नी के आपसे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन आपसे झगड़े होने के बाद एक साथ रहने भी लग जाते हैं। लेकिन ये मैटर था 2007 का। इसमें ऐसा मसला हुआ कि जब दोनों की आपसी अनबन इतनी बढ़ गई तो अपने अपने रास्ते पे चले गए। जब पति द्वारा उसके खिलाफ तलाक का केस कर दिया, तलाक का केस चलता रहा। उसके पश्चात 2014 में पत्नी द्वारा 404 IPC में पति प्लस सास ससुर, उनकी ननद, जो भी उनके रिश्तेदार, उन पे 2014 में एक केस दायर करती है 498 दहेज का। तो इस केस को जब दायर करते हैं तो जब वो व्यक्ति इस केस में कैसे भी चाहते हैं कि किसी प्रकार से एक साथ पैसे देकर या कैसे भी वहां समझौता हो जाए, लेकिन वो समझौता नहीं होता है। जब समझौता नहीं होती तो पुलिस कैसे भी कर कुरा के, क्योंकि जिनके नाम उन्होंने लिखा है, सास ससुर या पति के अलावा जो भी उनके भाई बहन या जो भी उनके रिश्तेदार, उनके नाम पुलिस द्वारा तफ्तीश में काट दिया जाता है कि इनका कोई इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इसके पश्चात जब पति प्लस सास पे ये मुकदमा चार्जशीट पेश हो जाती है हाई कोर्ट में, ये कोर्ट में जब उसके खिलाफ जो ऑलरेडी जिस व्यक्तियों के नाम थे, वो व्यक्ति हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए जाते हैं, FIR रद्द कराने के लिए जाते हैं, तो उसमें हाई कोर्ट ये कहता है कि किसी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति की जब 2007 में शादी हुई है, उसके एक साल साथ रहने के बाद वो 4-7 साल से अलग अलग हो रहे हैं, तो इसमें 498 ए दहेज और मारपीट प्रताड़ना का केस कैसे बनता है। तो हाई कोर्ट ने इसे देखते हुए, माननीय हाई कोर्ट ने ये तो कह दिया कि 498 सास और पति के ऊपर नहीं लग सकता, लेकिन 406 चलता रहेगा। इसी को चुनौती देते सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन व्यक्तियों की, दोनों की क्रिमिनल अपील, उनके द्वारा भी अपील कर दी गई, दोनों की क्रिमिनल अपील को एक साथ सुनते हुए उन व्यक्तियों की FIR को रद्द कर दिया, क्योंकि आपने 2007 में शादी की और 2014 में आप 498 और 406 का केस लाते, क्योंकि आपके साथ एक क्रूरता हुई, आपके साथ ऐसा हुआ, व्यवहार हुआ, तो आप तुरंत उसी टाइम आप केस कर सकते हैं। लेकिन आपने शादी एक साल हुई, एक साल रहने के बाद आपके आपसी अनबन हो जाती है, आप 2014 में आप 498 का केस करते हैं, दहेज मारपीट, मेरे सामान चुरा लिया, इस प्रकार का। तो सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट ने इसको देखते हुए उनकी FIR को रद्द कर दिया। इसलिए दोस्तों, अगर आपके किसी भी रिश्तेदार, आपके किसी भी परिवार वालों के साथ ऐसा होता है, तो बिल्कुल मैं इसका जजमेंट डिस्क्रिप्शन दूंगा, उस जजमेंट को आप देखकर, उसका हवाला देकर आपका भी नाम या आपकी भी FIR ऐसे क्लोज करा सकते हो, FIR आप रद्द करा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तियों के खिलाफ ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी का रिश्ता होता है, किसी के साथ शादी होती है, एक महीना साथ नहीं रहती और तुरंत जाके मेरे साथ दहेज मांग की, मेरे साथ मारपीट की, बहुत सारे गलत फायदे उठा लिए। इसलिए मानने जो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, आप इसको देखकर आपका केस आपके दोस्तों के साथ ऐसा हो रहा है तो उसे भी आप सॉल्व करा सकते हैं, उनकी भी FIR रद्द करा सकते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।